एमएस सर की पाठशाला में आपका तहे दिल से मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आपके समक्ष कक्षा 9 का क्लास 9 का 1.2 का क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन मैं अभी एक्सरसाइज में इन नहीं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में इन करने से पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे, उनको बनाना जरूरी है, तभी एक्सरसाइज में हमको इन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा आपको पता ही होगा, रेखा क्या होती है इसको पहले मैं चर्चा कर दूं। एक पॉइंट से शुरू होगा और दो और लगातार बढ़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि है रेखा। इस रेखा पे क्या करेंगे, संख्या का निरूपण कर देते हैं, मतलब दिखा देते, दर्शा देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका संख्या रेखा। अब मान लीजिए हमको अंडर रूट 2 को दर्शाना है, इसमें एक अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, उसको कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने के लिए कई तरीके हैं। एक सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है कि हमको पता है कि 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ यहाँ से 0 और ए, इसको मान लेते हैं 0 ओ और इसको मान लेते हैं ए, इसके बीच की दूरी को हमने माना 1 इकाई, ये हो गया आपका 1 इकाई। अब ए से ऊपर चलते हैं, सेम दूरी, जितनी दूरी ओ से ए लीजिएगा उतनी दूरी सेम ले लीजिए, यहाँ बी इसको मान लीजिए, ये आपका बी हो गया, ये भी आपका एक इकाई लीजिएगा। एक इकाई कैसे लेंगे गुरु जी, तो मान लीजिए आपके पास स्केल है, स्केल से खींच दीजिए उसको, बराबर दूरी लेकर जितनी बराबर दूरी यहाँ लीजिएगा उतनी बराबर दूरी वहां लीजिएगा। अब इसको मिला दीजिए ओ और बी को, इधर भी अगर जाना चाहते हैं तो चल जाइए इतनी बराबर दूरी पर, इधर जाइएगा 0 के पानी जाइएगा तो माइनस में होता है, 0 के पानी और जाइएगा तो प्लस में, और भी अंक को निरूपित करते हैं। तो ये बन गया आपका एक त्रिभुज ओ ए या ए बी ओ, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो कर्ण निकालना है। उससे पहले यहाँ जो जानकारी दिया उसको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर एक इकाई है। एक्चुअली में इकाई क्यों लिखा गया ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, तो ये परफेक्ट माप नहीं है, ये स्केल से मापा नहीं गया, इसकी किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में कुछ दूरी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हमने अपनी अंदाज से इसको ले लिया गया एक इकाई। फिर ए बी लेते हैं, ए बी बराबर हो गया एक इकाई, वही सेम लिए थे, ये मान लिया गया। अब हम लोग क्या है, हम लोग के पास है ओ बी, ये ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस महोदय ने बताया था त्रिभुज का तीनों भुजाओं के बारे में, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में उन्होंने बताया है, तीनों भुजाओं से संबंध जोड़ा है, उन्होंने बताया था। पहले यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेगा पाइथागोरस, यहाँ लिखे पाइथागोरस परमेय से या थ्योरम से, उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको कर्ण दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर होता है या कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। फिर सुनेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख दीजिए। अब इसके जगह पे हम मैं क्या किया, ये स्क्वायर को हटा दिया और इस स्क्वायर को इधर अंडर रूट कर सकते हो, कर दिए, या तो फिर आपकी मर्जी है तो सर हमको इसी तरह रहने दे, बिल्कुल रहने दिया जा सकता है। अब क्या कीजिए, कर्ण का वैल्यू पुट कीजिए, तो कर्ण क्या था हमारा, देखिए यहाँ कर्ण ओ बी है, तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी कर्ण है, ओ बी रहने दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब क्या है, तो लंब ये है ए बी, इसका स्क्वायर कर दीजिए ए बी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है ओ ए, इसका स्क्वायर कर दीजिए ओ ए का स्क्वायर। अब ओ बी का मान तो फाइंड करना है, इसी का मान ज्ञात करना है, ओ बी रहने दीजिए यहाँ, और ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना था एक का स्क्वायर है, फिर ओ ए का एक का स्क्वायर, ए बी यहाँ पे स्क्वायर मैंने हटा दिया, इस स्क्वायर को जब पहले से बाई और या पानी से दाई और लेकर जाता है तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है। एक का स्क्वायर एक होता है, ये आपको ज्ञात है, एक का स्क्वायर एक हुआ और दोनों स्थिति में एक का स्क्वायर एक एक हो जाएगा, इसको अंडर रूट रहने दीजिए, तो ये आया अंडर रूट 2।
एक चाप काट दीजिए। ये चाप जहाँ काटिएगा उसका नाम इंडिकेट कर दीजिए सी, और ये सी बिंदु जो है वह आपको अंडर रूट टू हो गया। इस तरह एक सिंपल तरीका है, इस सिंपल तरीका से हम लोग अंडर रूट टू को दर्शा पाए इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 4 का, वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। लगभग सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। पहले संख्या रेखा बना लीजिए, इस संख्या रेखा को बनाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, बीस वो हो गया इधर 1 2। आप इसमें चाहे तो इस पिक्चर की सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस आगे बढ़िए। यहाँ एक हो गया, ये मान लीजिए बी, तो ओ और बी के बीच की दूरी हो जाएगा 2 इकाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका 2 इकाई, ये वाला पार्ट। अब बी से 1 इकाई मतलब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ ली है या यहाँ से यहाँ, उतनी सेम दूरी लीजिए, इसका नाम दे दीजिए सी, और इसको ओ और सी को मिला दीजिए, तो BC बराबर 1 इकाई हो जाएगा आपका। अब फिर वही स्थिति आया, OP आधार हो गया हमारा, BC लंब हो गया और वो सी कर्ण हो गया। यहाँ जो मान दिया उस मान को आप लिख लीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको पिक्चर में देख रहे होंगे तो OP बराबर 2 इकाई मिल रहा है, और है BC बराबर है 1 इकाई। एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस हम चल रहे हैं, ये प्रोसेस आपका वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का निरूपण नहीं बल्कि हो रहा है, बल्कि ये इसको मान लीजिए अंडर रूट 5 का निरूपण, अंडर रूट 5 का निरूपण हम लोग कर रहे हैं। ये पुस्तक एक प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन है, साइज होगा 3 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे, बताना चाह रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और, कोई बात नहीं, जिंदगी में समस्या आ रहे है, समस्याओं को लड़ना ही एक योद्धा का काम होता है, समस्या से लड़कर ही आगे बढ़ा जाता है। एक छोटी सी समस्या थी, इस समस्या को हम हल करेंगे आगे। ओसी बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, ये निकालना था, फिर उसी तरह निकालिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पे फिर कर्ण की बात है, तो हम डायरेक्ट कर्ण उठा रहे, ओसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओसी का स्क्वायर बराबर ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या कर दिए, उधर ले जाइए, यहाँ बचे ओसी अंडर रूट हो जाएगा पूरा ओबी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, ये ओबी का स्क्वायर हो गया। ओबी का स्क्वायर में क्या होने वाला है, ओबी का स्क्वायर में आपका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो आएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बन गया अंडर रूट 5 का, बनाना था कुछ और बन गया कुछ और, मतलब जाना कहीं और था चले कहीं और गए। चले कोई बात नहीं, कम से कम यही माने प्रश्नावली का एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये आया अंडर रूट 5। फिर यहाँ पे अगर यहाँ से परिचित पता करो कि यहाँ रहकर के परिचित यहाँ रहकर के अगर चाप की सकते खींचे नहीं अगर पाते तो यहाँ रखिए और देखिए जैसे एक चाप आएगा और जो कटेगा इस संख्या रेखा पर जहाँ कटेगा उसका नाम को दे दिए, मान ले डी दिया और ये हो गया अंडर रूट 5। अब संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का निरूपण कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए हमारे अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मेरा एक काम आपको करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अपने रिश्तेदारों अपने सगे संबंधियों अपने सहपाठियों के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।